चंपावत में दो दो हॉन्टेड प्लेस हैं, एक तो एबट माउंट और उसके अलावा एक भूतिया गांव भी है। तो अभी हम भी पहले डरने से पहले, क्योंकि जाके तो डरना ही हमने। तू बोल रहा था डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है, सही है भाई। 12 बजे थोड़ा जाते हैं अभी। जब भूतिया टाइप की हो तो वहाँ पे छल लग जाता है बल। सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। एक बात बताऊं तुझे, यहाँ भी मैं गया, छन 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 की आवाज़ आई, छन 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 करके इधर इस वाले कमरे में चली गई। वो देख है कि उन्हीं लोगों की आत्मा ने यहाँ पे डॉक्टर मॉरिस को भी। अंदर तो डरावना है, अंदर तो डरावना है, देख दिख नहीं पर काला दे दिख नहीं रहा ना, वही तो, यही तो डरावना है। कपड़े फट गया, फट गया आराम से। हेलो दोस्तों, पहला प्रणाम, स्वागत है एक और नई वीडियो में। और पिछली वीडियो में तो मैंने आपको पिथौरागढ़ घुमा दिया है, आज की वीडियो में मैं आपको घुमाने वाला हूँ नियर बाई डिस्ट्रिक्ट चंपावत। तो भाई आज कहाँ जा रहे हैं हम? चंपावत आज हम जाएंगे हॉरर प्लेस पे, दोनों जो भी है हॉन्टेड प्लेस। हाँ भाई, आपने सुना तो होगा ही, चंपावत में दो दो हॉन्टेड प्लेस हैं, एक तो एबट माउंट और उसके अलावा एक भूतिया गांव भी है। तो आज का हमारा पूरा दिन रहने वाला है बिल्कुल हॉरर डे हैं। बिल्कुल आज कुछ स्पेशल दिखाते हैं आपको, चलते हैं पहले एबट माउंट और उसके बाद देखते हैं कहाँ कहाँ घुमाते हैं। आज की वीडियो में फ़िलहाल तो एबट माउंट आपको देखने को मिल रहा है, अगली वीडियो में क्या देखने को मिलेगा वो तो चैनल पर आपको बने रहना पड़ेगा। हम घुमाते रहेंगे, आप घूमते रहिए हमारे साथ। भाई चलो अभी निकलते हैं पिथौरागढ़ से। पिथौरागढ़ से गाड़ी हमारी पहुंच गई है घाट, और कल हम आए थे यहीं से। तो अल्मोड़ा से जब हम आते हैं इस रोड से आते हैं, और अभी चंपावत जाने के लिए हमें जाना होगा यहाँ से लेफ्ट में। घाट में फिर से सरयू गंगा के दर्शन हुए हैं हमें, ये जय हो। अल्मोड़ा अगर आप प्लान कर रहे हैं तो इस वे में आप चले जाइए, और अगर चंपावत जा रहे हैं तो इस वे में। अभी हमारी जर्नी है यहाँ से अप्रॉक्स 30 किलोमीटर्स की, तब हम पहुँच जाएंगे अपने पहले हॉन्टेड प्लेस एबट माउंट। भैया पहाड़ों की तरफ ट्रेवल कर रहे हो तो इस तरह के जो छोटे छोटे ढाबे हैं यहाँ का खाना ज़रूर खा के जाना, एकदम घर का मज़ा आ जाएगा, पहाड़ी स्वाद जो बोलते हैं ना वो। तो अभी हम भी पहले डरने से पहले, क्योंकि जाके तो डरना ही है हमने, उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि राजू भाई को भी नाश्ता करा देता हूँ, खुद भी कर लेता हूँ, तो पेट भरने वाले हैं ढंग से, क्योंकि आगे होने वाला है क्या क्या। भैया आप तो पहले से ही डर के बैठे हो, हम तो जा रहे हैं वहाँ, कितना डर होगा, है ना? कुछ नहीं है डर, आराम से घुमा के लाएंगे, बढ़िया करके दिखा के लाएंगे। पिथौरागढ़ से हम आ गए हैं अप्रॉक्स 60 किलोमीटर्स, और यहाँ से हमें जाना होगा एबट माउंट के लिए। अगर आप लोहाघाट से आ रहे हैं तो 5 किलोमीटर में पड़ने वाला है ये एबट माउंट, तो यहाँ से शुरू होता है कुछ डरावना सा सफ़र। एबट माउंट को जाते हुए रास्ता भी थोड़ा कंजस्टेड है ना भाई? बेकार सा है। टाइम कितना हो रहा है? टाइम अभी हो रहा है 12 बजने वाला है। 12 बजे नहीं जाना है वहाँ, 12 बजे थोड़ा जाओगे? क्यों 12 बजे जाओगे? करेंगे नहीं, क्या है, तू बोल रहा था डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है? अपॉइंटमेंट लिया है, सही है, पर 12 बजे थोड़ा जाते हैं, बेकार टाइम। डॉक्टर मॉरिस से लिया है आपने अपॉइंटमेंट? है मॉरिस वहाँ बैठ रहे हैं चाय पानी के साथ बंदोबस्त करके। बता ना 12 बजे नहीं आते ना? तो सही नहीं है, है क्या रीजन क्या है? अरे बोलते हैं इस समय तो टाइम गलत हुआ, टाइम गलत होता है सच में 12 बजने वाला है। दोस्तों हमारे यहाँ पे पहाड़ी में बोला जाता है कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जो भूतिया टाइप की हो तो वहाँ पे छल लग जाता है बल। अब जा ही रहे हैं हम, राजू भाई कह रहे हैं 12 बजे जाना नहीं है, 12 बजे फिर आजकल तो महीना भी काला ही है। ये देखो मतलब ये पूरा ही डरावना होते जा रहा है। और जा भी रहे हॉन्टेड प्लेस, तुम जाओगे? मैं तो गाड़ी तो आपको पता ही है, मैं तो गाड़ी में बैठ रहा हूँ पहुँच के।
गाड़ी वो पागल है, मैं अकेले जाऊंगा वहां। और क्या, ये अकेले जाएगा कौन? अरे मजाक मत कर, इतनी दूर आए हैं, साथ चलेंगे भाई। ना ना ना, तुम तीन चार भाई हो यार। तो तीन चार भाई है तो क्या हो गया? मैं तो अकेला हूं। मतलब उम्मीद है तुझे? हैं, कहां को जाना? हां ये रबर फोन भाई, गाड़ी में बैठे, मैं गाड़ी में बैठूंगा, तू चले जाना। ना ना, मेरे को शौक ही नहीं है। मैं अब यार मोरी जाएंगे यार बेटा, कहां जा रहा है? कहना वो जो आप करते थे ना एक्सपेरिमेंट, वो सोच रहा था मैं थोड़ा। चढ़ाई बाकी चढ़ाई है, चल बैठ, तेरे को दिखाता हूँ एक्सपेरिमेंट करके। चल फिर चल यार, डरा मत मुझे भी और खुद भी मत डर। ऑल इज वेल दोस्तों, अगर आपसे बोला जाए कि हम एबर्ट माउंट जा रहे हैं या आपको एबर्ट माउंट जाना है, तो आपके मन में ये ख्याल जरूर आएगा कि ये हॉन्टेड प्लेस जो है बहुत सुनसान होगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यहाँ पे लोग रहते हैं, गांव है एक प्रॉपर पूरा, और एबर्ट माउंट जो प्लेस है जहाँ पे हॉस्पिटल है, वहाँ पे रिजॉर्ट भी हैं काफ़ी सारे, आप यहाँ पे आके स्टे भी कर सकते हैं। तो ऐसे डरने वाली बात नहीं कि बिल्कुल सुनसान होगा। हाँ हाँ, वो जगह ज़रूर डरावनी है जहाँ पे हॉस्पिटल है, लेकिन उसके आसपास आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए रिजॉर्ट भी हैं, लोगों के अपने घर भी हैं, काफ़ी सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी यहाँ पे है। यहीं रोक दो। एबर्ट माउंट में आपका स्वागत है, और सबसे पहले दर्शन होते हैं यहाँ पे गोल स्ट्रीट इको लॉज, हट्स बने हुए हैं यहाँ पे, यहाँ पे आप वो कर सकते हैं स्टे। जाना है? हाँ नीचे जाना है, गाड़ी लेके नहीं जाएंगे, गाड़ी पैदल चलते हैं। ना ना, गाड़ी लेके क्या करेंगे वहाँ को? अरे कोई बात नहीं। अरे गाड़ी लेके क्या करेंगे वहीं पे? खड़ी कर देंगे वहीं पे। कहाँ खड़ी? वहाँ खड़ी करने का नहीं है, चलो देखते हैं थोड़ा आगे लेके चलो, चर्च तक जाएगी गाड़ी। चर्च में खड़ी करेंगे। हाँ, सुनसान पड़ा हुआ है, चर्च है, चर्च। हाँ ये है नीचे, गाड़ी मुड़ने के लिए हो मुश्किल लग रहा है मुझे, तभी तो कह रहा था मैं तेरे से। चल अब डाल दिए तो डाल, यहाँ पर तक तो चल, इधर होगा चर्च पे। चर्च पे होगा, बैग ले आता हूँ ना, रुक जा यहाँ से देख लेंगे ना। नहीं है, मोड़ने का नहीं है ब्रो, वो उधर है क्या, मैं देख के आता हूँ। दोस्तों एबर्ट माउंट में एंट्री हो गई है, और सबसे पहले मैं आपको लेके जा रहा हूँ यहाँ पे जो चर्च है, बिल्कुल सुना पड़ा हुआ है। राजू भाई हमारे गाड़ी में ही हैं, उनने बोला कि आप होके आओ, मैं गाड़ी में ही बैठता हूँ, लेकिन डर के मारे। देखो भैया, आप जब ऐसी जगह में होते हो, बिल्कुल सुना पड़ा होता है, तो डर तो लगेगा ही ना। एकदम सुना है, ये देखो ये है यहाँ का चर्च। मतलब जब यहाँ पे डॉक्टर मॉरिस थे, हॉस्पिटल था, तब ये चर्च हुआ करता था यहाँ पे, तब क्रिश्चियन फैमिली जो है वो रहा करती थी। अभी ये सब खंडहर हो गया है, एकदम भूतिया ही हो गया है सब कुछ। वापस जाना पड़ेगा, है ना? नहीं नहीं, डरने की बात नहीं है, आप भी आइए घूमिए। तो ये पहले तो सील पैक हो गया था, आजकल इसके दरवाजे भी तोड़ दिए हैं। बैक कैमरे से दिखाऊं? ठीक है। प्रार्थना द्वारा प्राप्त करें, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आशा, आत्मिक शांति तथा हर प्रकार के रोगों एवं भूत प्रेत से मुक्ति प्राप्त करने हेतु। भाई एक बात बताऊं तुझे, यहाँ भी मैं गया, छन 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 की आवाज़ आई, ठीक है? अरे झूठ नहीं बोल रहा, मैंने देखा क्या है, वो बिल्ली है, उसके पैर में घुंघरू आ रखे हैं भाई को। अब डरेगा कौन नहीं यार। हाँ हाँ, एक बिल्ली है कह रहा हूँ, उसके पैर में घुंघरू बजे हैं।
छन 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 करके इधर इस वाले कमरे में चली गई वो देख आ रही ना आवाज छन छन वो वो चली गई ना बिल्ली है मुझे क्या है वो बिल्ली है देखो वो और पैर में घुंघरू अलग बाल रखी है सारा तो नहीं कोई कब्रिस्तान भी है यहाँ पे ये देख इधर हे सांस में सांस आई राजू भाई आ गए बाबा रे अकेले में तो सुनसान में डर तो लग ही रहा है राजू कह रहा है सांस सांस चल रहे हैं वो आगे आगे कहाँ भाग रहे हो तो ये चर्च है यहाँ पे और यहीं पे ये कब्रिस्तान है तो दोस्तों यहाँ की हिस्ट्री में आपको बता ही देता हूँ एक्चुअल में है क्या यहाँ पे बहुत साल पहले तो यहाँ पे एक डॉक्टर थे डॉक्टर मॉरिस वो क्या करते थे कि आदमी का भेजा खोल के रख देते थे और वो कुछ ऐसा अनुभव लेना चाह रहे थे कि ज़िंदगी और मौत के बीच क्या है तो उनका हॉस्पिटल है अभी मैं वहीं लेके जाने वाला हूँ वो देखना चाह रहे थे कि ज़िंदगी और मौत के बीच क्या रहस्य है और उसके चक्कर में उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे भेजा खोल के रख दिया और सारे लोग जो हैं डेड उसके बाद से क्या हुआ है कि उन्हीं लोगों की आत्मा ने यहाँ पे डॉक्टर मॉरिस को भी ये हो गया तब से भूतिया प्लेस हो गया है पूरा हॉस्पिटल सीज हो गया है ऐसा बोला जाता है कि आज भी यहाँ पे भूत प्रेत रहते हैं बिल्कुल सुनसान एरिया तू क्या डर रहा है आजा फिर आजा बिल्ली नहीं कर रहा ना जैसे ये जगह इसलिए भी डरावनी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि ये बिल्कुल सुनसान घने जंगल के बीच में है और रास्ता कुछ ऐसा हो आपको डर लग रहा है नहीं तो ठीक है अभी तो ठीक है ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है बाकी देखेंगे प्रॉब्लम यहाँ जाने में नहीं होती यहाँ से आने के बाद होती है वो कह रहे थे हाँ झस नहीं करना वहाँ झस हाँ चाहे घुंघरू बात की बिल्ली आए कुछ आए झस नहीं करनी है चलो भैया अब हम मेन जगहों पे पहुंच गए हैं जहाँ पे लोगों के ऑपरेशन होते थे और उन्हें डेथ लेवल तक पहुंचा दिया जाता था यहीं पे डॉक्टर मॉरिस को भी उन्हीं लोगों की आत्मा ने यहाँ पे डेड कर दिया था आप देखो यहाँ पे ये वैसे तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है गेट पे लॉक भी लगा हुआ है लेकिन हम कोशिश करेंगे मैं तो नीचे से खिसक जाऊँगा तू तेरा पेट अटक जाएगा ना कहाँ से आएगा तुम जाओ मैं नहीं आ रहा अकेले मैं नहीं जा रहा पागल है क्या अरे आ जाएगा यार कर कुछ कहाँ से आऊँगा देखो मेरी कमर में दिक्कत है नीचे से देख कहीं से हाँ यहाँ से है आ जा है? यहाँ से है आ जाएगा यहाँ से आ मैं भी चोरी छिपे जाना पड़ रहा है आ जा आ जा आ रहा रुको यार कैसा है सुन भागना पड़ा तो कैसे भागेगा तू ये रुक जा तार लग गया था हाँ आजा आजा नीचे नीचे डरन हो रखे हम और जा रहे हैं यहाँ डर लग रहा है ब्रो थोड़ा 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 रास्ता साफ कर रखा है ऐसे ही होगा साफ ये साफ कर रखा होगा घास वास काटी होगी ना यार काटी तो नहीं ऐसी है हल्ला गुल्ला मत कर कह रहा हूँ दोस्तों यही है वो हॉस्पिटल जहाँ पे डॉक्टर मॉरिस ऑपरेशन किया करते थे ये खूब कपड़े सूख रहे डॉ ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है अब यहाँ पे लोगों का रहन सहन भी हो गया तो आप आ सकते हैं घूमने ये देखिए डॉगी आपने तो हमारे हॉन्टेड प्लेस को बिल्कुल हरा भरा बना दिया कोई डर ही नहीं है यहाँ तो ये राजू भाई इंस्पेक्शन कर रहे हैं अभी पूरा लॉक्ड हो गया ना देखो पैक कर दिया था ना ऐसे देखने से थोड़ा ना दिखेगा कुछ अंदर हॉस्पिटल का सामान वामान था पूरा जो ऑपरेशन थिएटर रहता है ना उस टाइम का ना औजार वगैरह हाँ अब डरावना नहीं रहा आराम से आओ घूमो है नहीं लेकिन यहाँ आने नहीं देंगे ना प्राइवेट प्रॉपर्टी है ये कैसे लॉक मार दिया ना इसको
ये लोग जिन्हें ले रहेगा वो भी नहीं जाएंगे अंदर? क्यों नहीं, वो तो रहते ही अंदर। ये मेरे भैया गाय भी चल रही है यहाँ। है नहीं मारने मत आना, हम तो हॉस्पिटल मारना आती है क्या? करते हैं तो हॉस्पिटल देखना। ये देखो प्राइवेट प्रॉपर्टी, यस। कैंपिंग करने का ठीक है यार इधर, है ना? तो ये हमारा जो यहाँ पे हॉन्टेड प्लेस है, ये बहुत ही अच्छा कैंपिंग प्लेस है। आप भी आइए, जिनकी प्रॉपर्टी है उनसे पूछिए। यहाँ पे ज़रा झांक के देखो भाई, अंदर तो डरावना है। हा? अंदर तो डरावना है, देख कुछ दिख ना पड़े, काला दिख नहीं रहा ना, वही तो, यही तो डरावना है। कलर भी कर दिया ना इसमें। प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी ना, अब लोग रहने लग गए यहाँ। उस टाइम सोचो कितने करोड़ों का होगा ना हॉस्पिटल। हाँ उस टाइम का तो हुआ ही, देख लोग सुनसान में। हाँ है? नहीं। नहीं। देखो ना मैं पूरा एक लंबी सांस और एक्सप्लोर कर लिया हमने ये भी। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अभी जो ये हॉस्पिटल है मेन, जिसे यहाँ पे मेन अट्रैक्शन का पॉइंट बोला जाता है, जहाँ पे भूतिया गतिविधि होने का दावा पहले किया जाता था, वो अब कुछ भी नहीं है। आप इस प्रॉपर्टी के अंदर मत आइएगा, क्योंकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। अब जैसे ही हम हॉस्पिटल पहुँचे थे, वहाँ पर क्या देखा हमने, दरवाज़ा खुला था और एक अंकल चावल बना रहे थे। चावल बना रहे थे, यानी कि वो उनकी प्रॉपर्टी है। तो मैंने दिखा दिया है, क्योंकि पहले की हिस्ट्री तो रही है काफ़ी कुछ, अब सब कुछ चेंज हो गया है। आप एबर्ट माउंट आइए, ऐसा कुछ नहीं है, देख के जा सकते हैं, चर्च वगैरह ये वो, बहुत शांति के लिए सबसे अच्छी जगह है। मतलब पीसफुल इतना है कि आप यहाँ पर आइए, मेडिटेशन कीजिए, बस मस्त रहिए, हमारी तरफ खुश रहिए। और ज़्यादा ऐसा सोचना नहीं है, बहुत ज़्यादा हॉन्टेड होगा, डर लगेगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, उसको उठाना कुछ नहीं हुआ, मस्ती से जा रहे हैं। तो पहला हॉन्टेड प्लेस एक्सप्लोर कर दिया, आप जा रहे हैं दूसरे में, वो आपको अगली वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। उठाना इसको, अभी फिरोज भाई की हेल्प कर देता हूँ। ये लो कपड़े फट गया, फट गया, आराम से आराम से। तो ऐसे एंट्री हमने की थी, वैसे ही एग्जिट भी कर रहे हैं। आप अगर आ रहे हैं तो आराम से घूमिए, लेकिन हॉस्पिटल जाने का कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ वाले। ठीक है, अभी चलते हैं घर को, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।